केक का टेक्सचर और इसमें पड़ी हुई जाली को देखकर आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि ये कितना स्पॉन्जी बना होगा। साथ ही में ये केक बहुत ही सॉफ्ट भी है और मॉइस्ट भी, और ऐसे इंग्रेडिएंट से बना है जो हमारे घर में आसानी से अवेलेबल रहते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ स्वाति और अर्बन रसोई पे काफ़ी समय पहले मैंने एगलेस स्पॉन्ज केक की रेसिपी शेयर की थी और वो बहुत हिट हुआ और आप सभी लोगों ने उसे बहुत पसंद किया। सबसे पहले तो थैंक यू जिन भी व्यूअर्स ने उसे पसंद किया, लाइक किया और शेयर किया उसके लिए। पर उस रेसिपी में मुझे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस ये आए थे कि हमारे पास अगर मिल्क पाउडर नहीं है तो हम क्या करें। अगर आप मिल्क पाउडर नहीं है आपके पास और आप उसे यूज़ करना नहीं चाहते तो ये वाला केक बनाइए। आज मैं आप लोगों के लिए एक ऐसा एगलेस स्पॉन्ज केक लेके आई हूँ जिसके इंग्रेडिएंट्स बहुत ही सिंपल है, इतने सिंपल कि आपके घर में वो होंगे ही, और इतना आसान है उसे बनाना कि आप चुटकियों में उसे बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो इस एगलेस केक को मैं बनाने वाली हूँ विदाउट अवन, इसे मैं एक बड़ी कढ़ाई में बनाने वाली हूँ। आप चाहे तो इसे कुकर या भगोनी में भी बना सकते हैं, मेरे पास इतना बड़ा कुकर नहीं था इसलिए मैं बड़ी कढ़ाई का यूज कर रही हूँ। मेरे पास बहुत सारी रिक्वेस्ट आई थी कि इसे विदाउट अवन बताया जाए, इसलिए अगर आप इसे अवन में बनाना चाहते हैं तो मैं वीडियो के लास्ट में उसके बारे में भी बता दूंगी। तो अब एक बड़ी कढ़ाई में मैंने ले लिया है 1.5 कप के करीब नमक, ये वही नॉर्मल नमक है जो हम रोज खाने में खाते हैं, बस बार बार इसे बेकिंग में यूज करके इसलिए इसका कलर थोड़ा सा डार्क हो गया है। आप इसी नमक को बार बार रीयूज कर सकते हैं अपनी बेकिंग के लिए। अच्छी तरह से इस 1.5 कप नमक को हम इस कढ़ाई में फैला देंगे और इसके ऊपर एक वायर स्टैंड रख देंगे ताकि इसके ऊपर हम अपना केक टिन आसानी से रख सकें। अब जैसे हम अवन को प्रीहीट करते हैं वैसे ही इसे भी प्रीहीट करेंगे। इसके ऊपर एक बड़ी थाली ढक दी है मैंने और इसे मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए हम गर्म होने देंगे, ऐसे ही खाली जैसे हम अवन को प्रीहीट करते हैं। अब इन्हीं 10 मिनट में बना लेंगे हम फटाफट से अपने केक का बैटर, जिसके लिए एक बड़े बोल में मैंने लिया है 1 कप के करीब दही। ये एकदम नॉर्मल दही है जैसे हमारे घर में जमाते हैं हम, बिल्कुल वैसा ही, बहुत ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं और बहुत पतला भी नहीं। अब इस 1 कप दही के बाद मैं इसमें 1 कप ही पिसी हुई शक्कर डालूंगी। हमारी घर की शक्कर को ही मैंने मिक्सर में पीस लिया है तो वो पिसी हुई 1 कप शक्कर होनी चाहिए। और अब इन दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से हम एक बीटर या एक स्पून की मदद से बीट कर लेंगे। इसे हमें ओवर बीट नहीं करना है, बस इतना ही मिक्स करना है कि दही के सारे लम्स निकल जाए और शक्कर हमारे दही में अच्छी तरह से डिसॉल्व हो जाए। दही जो है हमारा बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए और बहुत ज़्यादा ताज़ा भी नहीं, यानी कि उसमें हल्की सी खटास होनी चाहिए, क्योंकि यही दही की खटास जब बेकिंग सोडा से रिएक्ट करेगी तो हमारा केक अच्छी तरह से फूलेगा और भी स्पॉन्जी बनेगा। अच्छी तरह से इसे मिक्स करने के बाद अब मैं नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप के करीब रिफाइंड ऑयल। आप कोई भी अनफ्लेवर्ड ऑयल डाल सकते हैं, अभी तो जैसे समर्स है इसलिए आप बटर भी डाल सकते हैं, पर सर्दियों में जनरली क्या होता है कि बटर या घी हम डालते हैं तो वो केक में जम जाता है, तो ठंडे होने के बाद केक उतना अच्छा नहीं लग पाता। प्लस आप ऑयल डाल के बनाएंगे तो आपका केक ज़्यादा मॉइस्ट भी बनेगा। अगर आप रिफाइंड ऑयल नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें सॉल्टेड या अनसॉल्टेड बटर भी डाल सकते हैं मेल्ट करके, या घी का भी बना सकते हैं। इसे भी अच्छी तरह से हम एक विस्कर की मदद से विस्क कर लेंगे, बहुत ज़्यादा ओवरबीट नहीं करना है, बस ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तेल हमारे दही और शक्कर के मिक्सचर में। अब नेक्स्ट मैं इसमें डाल रही हूँ 1 टीस्पून के करीब वनीला एसेंस। अगर आपके पास वनीला एसेंस भी नहीं हो तो आप कोई भी फ्लेवर दे सकते हैं केक में, जैसे आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, उससे भी केक अच्छा बनेगा। वनीला एसेंस बस एक फ्लेवर के लिए होता है केक में। अब इस वनीला एसेंस को डालने के बाद भी इसे हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और नेक्स्ट इसमें अब हम डालेंगे अपने ड्राई इन्ग्रीडियंट्स। इसके लिए मैंने इस बोल के ऊपर एक छन्नी रख दी है और उसमें मैं 1.5 कप मैदा है मेरे पास, उसे आधा आधा करके डालूंगी। सबसे पहले डालेंगे हम इसमें 1/4 टीस्पून के करीब नमक। अगर आप सॉल्टेड बटर यूज कर रहे हैं तो नमक को स्किप कर दीजिए। नेक्स्ट इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून बेकिंग सोडा, और इसके बाद इसमें हम डालेंगे 1 1/4 टीस्पून के करीब बेकिंग पाउडर। बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर दोनों ही डालना जरूरी है, इससे हमारा केक बहुत ही अच्छा बनेगा। अब इन ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हम अच्छी तरह से मिक्स करते हुए छान लेंगे, और जो बाकी का बचा हुआ मैदा है वो भी डाल देंगे छन्नी में और इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए छान लेंगे, ताकि बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा हमारे पूरे मैदे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और हमारा केक बैटर भी इससे अच्छा बनेगा।
पूरे मैदे को छानने के बाद इसे हम फिर से एक विस्कर की मदद से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। और जब ये थोड़ा सा मिक्स हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा होना स्टार्ट हो जाए, अब इसके बाद इसमें हम डालेंगे दूध। यहाँ पर मैंने लिया है 1/4 कप के करीब दूध, और इस दूध को मैं 2 बैचेस में डालूंगी, पहले आधा, और फिर अच्छी तरह से हम अपने बैटर को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद बाकी का बचा हुआ दूध डाल के इसे फिर से मिक्स कर लेंगे। दूध की क्वांटिटी आपकी मैदे की क्वालिटी पे भी डिपेंड करती है कि मैदा कितना मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर सकता है। अगर आपका बैटर थोड़ा सा ज्यादा ड्राई हो रहा है तो आप 1-2 टेबलस्पून दूध और भी डाल सकते हैं। बस केक बैटर की कंसिस्टेंसी आपकी बहुत ही अच्छी होनी चाहिए, बहुत ज्यादा गाढ़ी भी नहीं और बहुत ज्यादा पतली भी नहीं। एक बात और कि आप जितने भी इंग्रेडिएंट्स यूज कर रहे हैं सारे के सारे रूम टेम्परेचर पर होने चाहिए। जैसे दूध और मैदा जनरली हम लोग फ्रिज में रखते हैं, तो इन्हें आप 1 घंटा पहले निकाल के रख दें, उतने में ये नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाएंगे और फिर अपना केक का बैटर बनाएं। केक का बैटर हमारा तैयार है। आप देख सकते हैं कि इसकी कंसिस्टेंसी भी बिल्कुल अच्छी है। अब मैं इसमें टूटी फ्रूटी ऐड करूंगी। इसके लिए मैंने ले लिया है 1 टेबलस्पून के करीब मैदा, और इसमें मेरे पास 4 कलर की टूटी फ्रूटी है, वो ऐड कर दूंगी और इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। इससे होगा क्या, जब हमारी टूटी फ्रूटी पर एक मैदे की कोटिंग चढ़ जाएगी तो वो जब केक हमारा राइज होगा उसमें नीचे सिंक नहीं हो जाएगा। नहीं तो जनरली जब हम चोको चिप्स या टूटी फ्रूटी डालते हैं तो वो केक के तले में आके बैठ जाते हैं, पूरे केक में इवनली स्प्रेड नहीं होते। इसीलिए उनके ऊपर अगर मैदे की एक हल्की सी कोटिंग हो तो वो पूरे केक में इवनली स्प्रेड होंगे और नीचे सिंक नहीं होंगे। अगर आप टूटी फ्रूटी नहीं डालना चाहते हैं तो इसमें ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं। अलग अलग तरह के ड्राई फ्रूट्स लेके उन्हें तवे पर हल्के से भून लीजिए और फिर इस केक में डालिए, तो वो आपके बच्चों के लिए और भी हेल्दी हो जाएगा। अब इस मैदा कोटेड टूटी फ्रूटी को हम अपने बैटर में डाल देंगे और इसे हल्के हाथों से मिक्स कर लेंगे। इसके बाद इसे हमें बहुत ज्यादा ओवर मिक्स नहीं करना, बस हल्के हाथों से एक स्पैचुला या स्पून की मदद से आप धीरे धीरे मिक्स कर लीजिए, ताकि ये टूटी फ्रूटी हमारे पूरे बैटर में अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। तो देख रहे हैं ना आप, सिर्फ 10 मिनट में जब तक हमारा ओवन या कढ़ाई प्रीहीट हो रहे हैं उतनी देर में हमारा केक बैटर बन जाएगा, और बहुत ही आसान इंग्रेडिएंट्स जो हमारे घर में रहते ही हैं। अब फटाफट से हम अपने केक टिन को भी ग्रीस कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक एल्यूमिनियम का लोफ टिन लिया है, आप चाहे तो राउंड या स्क्वायर टिन का भी यूज कर सकते हैं। इसे एक ब्रश की मदद से मैं ग्रीस कर लूंगी और इसके बाद इसके ऊपर मैं पार्चमेंट पेपर लगा दूंगी, ताकि केक बेक होने के बाद आसानी से निकल आता है। अगर आपके पास पार्चमेंट पेपर नहीं है तो आप मैदे को डस्ट कर सकते हैं इसके ऊपर, और एकदम पतली लेयर मैदे की चढ़ा सकते हैं, उससे भी केक बहुत ही आसानी से निकल जाता है। एक बात और, अगर आपका केक परफेक्टली बेक हुआ है तो उसे निकालने में ज्यादा परेशानी भी नहीं होती, वो बहुत ही आसानी से निकल जाता है। पार्चमेंट पेपर मिक्स करने के बाद अपना केक बैटर हम इसमें डाल देंगे और इसे 2-3 बार अच्छी तरह से शेक करके टैप कर लेंगे, ताकि इसके ऊपर जो एयर बबल्स हो वो निकल जाए। केक बैटर, केक टिन हमारा दोनों बिल्कुल तैयार है, अवन भी प्रीहीट हो चुका है। अब अवन के ऊपर यानी कढ़ाई के ऊपर की थाली हटाकर हम अपने केक टिन को इस वायर रैक पर रख देंगे। अगर आप इसे अवन में या माइक्रोवेव के कन्वेक्शन मोड में बना रहे हैं तो कन्वेक्शन मोड में माइक्रोवेव को प्रीहीट कर लीजिए 180 डिग्री पर 10 मिनट के लिए, और उसके बाद अपने केक टिन को रख दीजिए कम से कम आधे घंटे के लिए। 30 से 35 मिनट का टाइम है, 30 मिनट्स के बाद आप केक को चेक कर सकते हैं। अगर केक बन गया है तो ठीक है, और अगर उसमें थोड़ी सी कसर रह गई है तो आप 5 मिनट के लिए उसे 180 डिग्री पर ही और बेक कर लीजिए। 5 से 10 मिनट का स्टैंडिंग टाइम इसलिए रहता है क्योंकि हर ओवन डिफरेंट होता है। 30 मिनट्स के बाद आप एक बार इसे चेक करके देख लीजिएगा। और अगर आप इसे कढ़ाई में बना रहे हैं तो इसे मीडियम फ्लेम पर 1 घंटे के लिए बेक होने दीजिए इसी तरह से। बीच बीच में हमें अपनी कढ़ाई के ऊपर से ढक्कन को हटा के नहीं देखना है या अवन को खोल के नहीं देखना है, नहीं तो हमारा केक सिंक हो जाएगा यानी अच्छी तरह से फूल नहीं पाएगा। 1 घंटा हो चुका है और ये देखिए, जब मैं इसके ऊपर से थाली हटा रही हूँ तो कितना सुंदर हमारा केक बेक हुआ है। हम देख के ही पता लगा सकते हैं कि केक हमारा अच्छी तरह से बेक हो गया है, क्योंकि केक ने केक टिन के साइड्स छोड़ दिए हैं। साइड से एकदम लाइट ब्राउन कलर का हो गया है, परफेक्टली कुक्ड। और लास्ट में तो आपको पता ही है, आप एक स्क्यूअर या नाइफ डाल के देखिए सेंटर में, अगर वो क्लीन आता है इसका मतलब केक हमारा बेक हो गया है।
केक टिन को निकाल लेंगे हम बाहर और उसे 10 मिनट के लिए थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, और 10 मिनट बाद एक बटर नाइफ की मदद से हम इसके साइड्स को लूज कर लेंगे और इसे फ्लिप करके डिमोल्ड कर लेंगे। क्योंकि हमने इसमें पार्चमेंट पेपर लगाया था इसलिए ये आसानी से निकल जाएगा। अभी भी केक गरम है, गरम केक को हम कभी भी कट नहीं करेंगे, नहीं तो वो अच्छी तरह से कट नहीं होगा। अब हम इसे एक वायर रैक पर रख देंगे ताकि इसमें ऊपर और नीचे दोनों तरफ से हवा लगे और केक हमारा जल्दी से ठंडा हो जाए। और जब हमारा केक पूरी तरह से ठंडा हो जाए, आप देख सकते हैं कि इजीली ठंडा हो गया है, बहुत ही सुंदर कलर आया है और टूटी फ्रूटी भी इवनली स्प्रेड हो गई है, थोड़ा थोड़ा ऊपर भी दिख रही है। और अब हम इसे एक शार्प नाइफ की मदद से अच्छी तरह से कट कर लेंगे। और इसका टेक्सचर तो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाई दिया था, बहुत ही अच्छा टेक्सचर है, टूटी फ्रूटी भी इवनली स्प्रेड हुई है, बहुत ही सॉफ्ट और बहुत ही मॉइस्ट है। तो इस एगलेस केक को, जिसकी स्पेशलिटी है एकदम सिंपल इंग्रेडिएंट्स, अपने घर में जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे जरूर बताना कि ये कैसा लगा आपको। और अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पे। और अगर आपने अर्बन रसोई को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे दिए हुए रेड सब्सक्राइब बटन पे जल्दी से हिट कीजिए और उसके पास ही में बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए चैनल के लेटेस्ट अपडेट्स देखने के लिए। मैं स्वाति मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून, बाय बाय।